करीब बुला रहा है, हमें इज्जत बख्श रहा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, और कोई नहीं है तुम्हारा दोस्त मगर अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। व रसूलहू, और फिर मेरा रसूल तुम्हारा दोस्त है। तो जो भी हम दुनिया में लोगों से बच बचा के रहते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों की वजह से नहीं करते, काश के हम ऐसी हरकतें, ऐसी बातें खुदा के खौफ से और उसकी शर्मिंदगी, उसके सामने पेश होने वाले दिन की शर्मिंदगी से बचने के लिए न करें, तो इस मुआशरे में बहुत सारी चीजें बेहतरीन हो जाए। क्योंकि कुछ चीजें तो मिसाल के तौर पर इबादत हम कर रहे होते हैं, सच्चाई से भी करने वाले हैं, हो सकता है माँ बाप के कहने पर भी करते हो या किसी दोस्त की वजह से भी करते हो, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग कहेंगे कि भाई ये क्या, इसका हाल क्या है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में जो ऐसी चीजें जो अल्लाह को नापसंद है, लोग उसकी परवाह नहीं करते, लोग उन चीजों को बुरा नहीं समझते, वो हम कर गुजरते हैं। हम अपने जाहिर को लोगों के सामने सजाकर बना लेते हैं, लेकिन फिर सच बोलने में हम सुस्त हैं, सच नहीं बोलते। क्योंकि हमारे मुआशरे में अफसोस से कहना पड़ता है कि सच्चाई की वो कदर नहीं है। अगर कोई झूठ भी बोले कहेंगे कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, हालांकि झूठ कितनी बड़ी खराबी। अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म ज्यादती करे, उसकी भी कोई खास परवाह नहीं करते। यानी कि इस वजह से हम फिर झूठ भी बोलते हैं, इस वजह से हम जुल्म भी करते हैं, और साथ में हम बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें हम कुछ चीजें, ऐसा तो नहीं है कि लोगों की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा चीजें हैं, झूठ बोलना है, जुल्म करना है और धोखा देना है, खयानत करना है। जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया, सिला रहमी से, सिला रहमी नहीं करना, बेफरमानी वालिदैन की करना, इन चीजों की हम परवाह नहीं करते। तो ये मालूम होता है कि हमारे दिल का रिश्ता बंदगी वाला अल्लाह ताला के साथ सच्चा नहीं है। हमारे लोगों के साथ रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, उनकी परवाह भी है, लेकिन अल्लाह की परवाह नहीं है। तो खुदा के लिए मैं अपने आप को नसीहत करता हूं और आपको भी गुजारिश करता हूं कि लोगों की बेशक परवाह करो, लेकिन अल्लाह की भी परवाह करो, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है, और वो तन्हाइयों में भी तुम्हारे साथ है। लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, वो तन्हाइयों में भी तुम्हारे साथ है। हम जो कुछ तन्हाइयों में करते हैं, आपको अपना पता होगा, मुझे अपना पता होगा। हम जो तन्हाइयों में करते हैं, क्या लोग, एक आदमी हमारे साथ होता तो वो तन्हाई भी हम करते, क्या करते हैं, वो आपको अपना पता हो। यानी कि हम लोगों की मौजूदगी की परवाह करते हैं, लेकिन खुदा तो मौजूद होता है, वहां वो हमारे साथ होता है। वो खुद फरमाता है, जब तुम अकेले होते हो तो ये मत समझो कि तुम अकेले हो, दूसरा में अल्लाह तेरे साथ होता है। वो फरमाता है, जब तुम दो होते हो, ये मत समझो कि फकत तुम दो हो, जो मर्जी है वो कर गुजरो, तुम दोनों को पता होगा। अल्लाह फरमाता है, तीसरा मैं वहां होता हूं। जब तुम चार होते हो या तीन होते हो, तो ये मत समझो कि सिर्फ तीन ही हो, कोई चौथा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, चौथा मैं अल्लाह वहां हूं। अब आप खुद फैसला करें। आपको दावत देता हूं, मैं अपने नफ्स को भी दावत देता हूं कि हमें अल्लाह की परवाह है या लोगों की परवाह है।